नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कदम सिंह एनक्लेव कॉलोनी में बना 770 स्क्वायर फीट में बना एक बहुत ही सुंदर घर। दोस्तों, ये जो कदम सिंह एनक्लेव कॉलोनी है, ये मेरे साथी जो हरिद्वार में रहते हैं वो जानते होंगे। जर्स कंट्री अपार्टमेंट्स के बैक साइड में ये कॉलोनी स्थित है और अब आपको लेकर चलते हैं कॉलोनी के अंदर। दोस्तों, जैसे ही हम कॉलोनी में अंदर चलते हैं, हमारे बाईं ओर एक बहुत ही सुंदर मंदिर हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सुंदर मंदिर हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉलोनी के अंदर जो सड़कें आपको मिलती हैं, ये 20 फीट चौड़ाई के साथ मिलती हैं, जिससे कॉलोनी की शोभा और भी बढ़ जाती है। आइए अब चलते हैं घर की ओर और देखते हैं कैसा है ये घर। देखिए, ये घर का हमें फ्रंट व्यू इस तरह से मिलता है। देखिए दोस्तों, सामने से ये घर हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये इस घर का डिज़ाइन है जो कि काफ़ी खूबसूरत हमें देखने में लग रहा है। देखिए दोस्तों, आप भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इस घर का फ्रंट व्यू आपको कैसा लगा। आइए अब चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कैसा है घर। देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इस मेन एंट्री से एंटर होते हैं, सामने की तरफ हमें ये एक विंडो दिखाई देती है किचन की, और ये जो जीना आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जाता है, ये हमें एक डोर मिलता है जाली का। दोस्तों, ये घर की दूसरी एंट्री है। सामने की तरफ इसमें दो दरवाजे हमें मिलते हैं, एक मेन एंट्री और एक ये छोटा गेट हमें मिलता है। ये जो खिड़कियां आप सामने देख रहे हैं, ये सब सागवान की लकड़ी में बनी हुई है और इन पे पॉलिश का कार्य किया गया है। देखिए दोस्तों, साथ ही ये चौखटे आप देख रहे होंगे, ये चौखटे सभी की सभी साल की लकड़ी में बनी हुई हैं, जिनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये हमें दरवाजे मिलते हैं इसके। दोस्तों, ये जो कमरा आप सामने देख रहे हैं, ये इस घर का ड्राइंग रूम है, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। इसका साइज़ 15x12 का मिलता है। देखिए, ये इन खिड़कियों पर जो पल्ले चढ़े हुए हैं, ये सभी सागवान की लकड़ी से बने हुए हैं और पॉलिश का काम सभी पर किया गया है। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं। ये सामने की तरफ हमें एक टॉयलेट मिलता है, इसका साइज भी काफ़ी बड़ा है। ये सब हमें पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं और इसमें भी टाइल्स की आप हाइट देखें तो इसमें 7 फीट तक की टाइल्स हमें मिलती हैं। वेंटिलेशन प्रॉपर है। यहाँ पर एक कॉर्नर वॉश बेसिन आपको दिया जाएगा। अब हम बाहर की तरफ आते हैं और जैसे हम अंदर चलते हैं तो हमारी बाएं हाथ पर ये हमें एक एरिया मिलता है, जहां पर एक वॉश बेसिन लगाया जाएगा। ये हमारा किचन का एरिया आ जाता है, जिसके फ्लोर पर आप देख सकते हैं ग्रेनाइट लगाया हुआ है। टाइल्स इसमें हमें 3 फीट तक की मिल जाती है। साथ ही ये जो खिड़की हमें किचन में देखने को मिलती है, इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो आपको किसी तरह की समस्या नहीं होने वाली है। इसमें भी जो आप ये खिड़कियां देख रहे हैं, वेंटिलेशन देख रहे हैं, ये सभी सागवान की लकड़ी में ही तैयार किए गए हैं, तो क्वालिटी को लेकर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। ये सब जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये गीज़र के लिए भी और आरओ के लिए भी दिए गए हैं। ये इस तरह से कुछ बास्केट वाली मॉडुलर किचन इसमें हमें मिलती है, ये देखिए। और ये कुछ इस तरह के ड्रॉअर हमें मिल जाते हैं सामान रखने के लिए। ये एक सिलेंडर के लिए हमें स्पेस दिया गया है इसमें, और साथ ही कॉर्नर स्पेस ये कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो कुल मिला के एक काफ़ी अच्छा किचन हमें यहाँ पर तैयार देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, हम अंदर चलते हैं। इसमें हमें 2 बेडरूम मिलते हैं। आइए पहले बेडरूम के अंदर हम चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही हम इसमें एंटर होते हैं, ये हमें इसकी बाईं तरफ एक अलमारी भी देखने को मिलती है। इस बेडरूम का साइज़ आपको 10x10 का मिलेगा। ये इसकी अलमारी है। साथ ही इसमें हमें वेंटिलेशन भी मिलता है। इस वेंटिलेशन में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं, पॉइंट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएगा। अब हम दूसरे बेडरूम में एंटर होते हैं। ये देखिए, इस
इसमें काफ़ी अंधेरा भी हमें दिख रहा है, वेंटिलेशन है सामने, इसमें एक गेट और भी हमें मिलता है, ये देखिए। अब इस रूम में आपको किसी तरह का कोई अंधेरा देखने को नहीं मिलेगा। वेंटिलेशन की पूरे घर में आपको कोई समस्या नहीं मिलने वाली है, वेंटिलेशन आपको प्रॉपर मिलेगा। आइए अब आपको दिखाते हैं ये एरिया, ये देखिए। वेंटिलेशन के लिए इसमें एक जाल आपको देखने को मिलेगा, यहीं से वेंटिलेशन है। और साथ ही इस रूम के साथ एक टॉयलेट हमने अटैच की हुई है, ये देखिए। और टॉयलेट के बाहर आपको कॉर्नर वॉश बेसिन यहाँ पर एक लगा कर दिया जाएगा ये जगह पे। और साथ ही ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी अपने इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। चौखटे यहाँ पर भी आपको साल की ही मिलेंगी। दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, घर में क्वालिटी को लेकर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आइए अब आपको बाहर की तरफ लेकर चलते हैं, ये रास्ता सीधा हमें सीढ़ियों से ऊपर छत पर लेकर जाएगा। साथ ही आप जीने पर ये जो हमारी रेलिंग लगी हुई है ये भी देख सकते हैं, ये भी स्टील की ही यूज़ की गई है। साथ ही जीने में जो हमें ये स्पेस देखने को मिलता है ये भी काफ़ी बड़ा है। और ये सामने की तरफ हमें एक विंडो मिल जाती है, ये देखिए, यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं। आइए ऊपर चलते हैं। ये वाला स्पेस भी जो जीने पे आपको मिलता है काफ़ी बड़ा मिलता है, यहाँ पर आप इन्वर्टर वगैरह भी लगा सकते हैं। ये हमारी छत और ये हमारा जाल जिससे हमारे पूरे घर में वेंटिलेशन हमें मिलता है। जाल हमें दो देखने को मिलेंगे छत पर, एक हमारा जाल ये भी है और इसमें एक बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा ये भी मिलता है कि ये हमने इस तरह से खुलने वाला बनाया है। आप कोई भी अपना छत पे कोई इस तरह का सामान छोटा मोटा जो यूज़ करते हैं उसको यहाँ रख सकते हैं और ऊपर से इस तरह से इसको बंद कर सकते हैं, चाहे तो लॉक भी लगा सकते हैं। अब सामने की तरफ जो रेलिंग लगाई गई है मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। देखिए सामने की तरफ ये जो रेलिंग हमने लगाई है ये भी स्टील की ही लगाई गई है, तो क्वालिटी में यहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। और ममटी की छत पे ऊपर ये जो रेलिंग हमने लगाई है, शायद यहाँ से दिख नहीं रही है, ये भी हमने स्टील की ही लगाई है। आइए अब आपको छत से व्यू दिखाते हैं अपनी कॉलोनी का, ये देखिए। छत से हमारी कॉलोनी का व्यू कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है, पूरी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। आइए अब सीढ़ियों से नीचे की ओर चलते हैं। ये सीढ़ियों से उतरते हुए हमें किचन की विंडो दिखाई देती है, साथ ही एक जाली का दरवाजा जो हम देख रहे हैं, ये सभी सागवान की लकड़ी से ही तैयार किए गए हैं। ये हमारा पोर्च का एरिया जाता है जिसमें हम बाइक वगैरह खड़ी कर सकते हैं, ये भी काफी बड़ा है, आप दो तीन बाइक आराम से लगा सकते हैं। और ये इस तरह से एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा फ्रंट व्यू, ये देखिए। दोस्तों मैं साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इस घर पे जो आप पेंट का काम देख रहे हैं ये सभी एशियन पेंट्स में कराया गया है और ये अपेक्स में कराया गया है जो कि पूरी तरह से वाटरप्रूफ है। तो दोस्तों ये घर आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस घर को लेकर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो या आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह की वीडियोस आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। थैंक यू।